स्वामी हरिदास की संक्षिप्त जीवनी। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का संक्रांतिकालीन माधव कहा जाता है, उसी प्रकार स्वामी हरिदास को भी भारतीय संगीत का रक्षक कहना पड़ेगा। स्वामी हरिदास का जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी संवत 1569 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खैरवाली सड़क पर एक छोटे से गांव में हुआ था। इसी कारण उस गांव का नाम भी हरिदासपुर हो गया। इनके पिता का नाम श्री आशुधी था, जो कि सुल्तान जिले के उच्च ग्राम निवासी थे। आप सारस्वत ब्राह्मण कुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हरिदास जी की माता का नाम गंगा था। बाल्यकाल से ही संगीत के संस्कार स्वाभाविक रूप से आपके अंदर विद्यमान थे। आगे चलकर ये संस्कार एकदम विकसित हुए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। 25 वर्ष के तरुण अवस्था में आप वृंदावन आ गए और निधिवन निकुंज की एक झोंपड़ी में निवास करने लगे। यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन और एक गुदड़ी यही स्वामी जी की संपत्ति थी। ब्रज रेणु के कनकन में, यमुना के नीर में, गगन मंडल की चांद तारों में आप भगवान कृष्ण की लीलाओं की मनोरम झांकियां करने लगे और चारों ओर से गुंजित होने वाले मुरली के मधुर नाद ने स्वामी जी को आत्मविभोर कर दिया। वृंदावन में निवास करके स्वामी जी ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद गीतों की रचना की तथा उन्हें शास्त्रोक्त राग व तालों में गाकर जिज्ञासुओं को तृप्त किया। यूँ तो स्वामी जी का संगीत प्रसाद अनेक व्यक्तियों को मिला होगा, किंतु इनके मुख्य शिष्यों के नाम नाद विनोद नामक ग्रंथ में इस प्रकार पाए जाते हैं। बेजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तन्ना मिश्र अर्थात तानसेन और राजा सौरसेन, ये इनके मुख्य शिष्यों के नाम लिए जाते हैं। मद्रास प्रांत को छोड़कर समस्त देश में वर्तमान प्रचलित शास्त्रीय संगीत स्वामी जी व उनके शिष्यों की ही विभूति है। संगीत कल्पद्रुम में बहुत सी रचनाएं स्वामी जी की ही रची हुई प्रतीत होती हैं। आजकल ब्रज में जो रासलीला प्रचलित है, उसको स्वामी हरिदास की ही देन समझना चाहिए। रास के पदों के गायन युक्त परिपाटी के प्रवर्तक भी आप ही थे, जो आज तक लोकप्रिय होकर धार्मिक भावनाओं को कलात्मक रूप दे रही है। नाभादास जी के एक छप्पे से प्रतिध्वनित होता है कि स्वामी हरिदास के संगीत को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा उनके द्वार पर खड़े रहते थे। एक बार सम्राट अकबर ने भी तानसेन के साथ आकर गुप्त रूप से स्वामी जी का गायन सुना था। अंत में संवत 1664 विश्वत में अर्थात 95 वर्ष की अवस्था में आप इस भौतिक शरीर को त्याग कर सदैव के लिए निधिवन के कुंज में विलीन हो गए। इस प्रकार से स्वामी हरिदास जी का संक्षिप्त विवरण हमें देखने को मिलता है। थैंक यू।